हेलो राधे राधे, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं कुछ ऐसी टिप्स लेके आई हूँ जिसके द्वारा आप लोग इस तरह के जुगाड़ करेंगे तो आपके रोज के काम बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अक्सर हम लोग जब चूड़ियाँ पहनते हैं या चूड़ी हम लोग की छोटी आ जाती हैं तो हम लोग सोचते हैं इसको कैसे पहने। हम लोग तेल लगाकर या साबुन लगाकर उसको पहनते हैं तब भी चूड़ियाँ हम लोग की कुछ खराब हो जाती हैं। तो हम लोग ये सब ना करके एक सिंपल सा आइडिया लेंगे। यहाँ पे हम लोग एक देखिए पॉलीथिन लेंगे। आप कोई भी पॉलीथिन ले सकते हैं और इसको इस तरह हाथ में पहन लेंगे। ये देखिए आप लोग हाथ में पहनने के बाद जो चूड़ियाँ हम लोग की छोटी पड़ गई हैं, हाथ में नहीं आ रही और दिक्कत हो रही थी, हम लोग बहुत ही आसानी से इसको पहन लेंगे। ये देखिए ये बहुत इजी तरीके से हाथ में चली जाएंगी और हम लोग को हाथ में दिक्कत भी नहीं होगी। ये सारी चूड़ियाँ इसी तरह आप लोग पहन लेंगी और पहनने के बाद आप लोग धीरे से इस पन्नी को आराम से निकाल लेंगे। ये पन्नी इजली ही बहुत आराम से निकल भी आएगी। ये देखिए चूड़ियाँ हम लोग बहुत आराम से पहन लिए हैं और ये बहुत सुंदर लग रही है। अब इस पन्नी को ये देखिए आप लोग इजी तरीके से निकाल लेंगी और बहुत जल्दी निकल आएगी और हम लोग बहुत ही आसानी से छोटी चूड़ियां होंगी और हम लोग आराम से पहन लेंगे, आराम से एंजॉय कर सकेंगे। अब हम लोग अगली टिप की तरफ बढ़ते हैं। पॉलीथिन से लेकर के है, हम लोग जब लेगी वगैरह पहनते हैं तो हम लोग के पैरों में फंस जाती है और आराम से जाती नहीं है, उसके लिए भी हम लोग पॉलीथिन लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से पॉलीथिन पहन के हम लोग जब लेगी पहनेंगे तो वो इजली बहुत जल्दी हम लोग के पैर में चढ़ जाएगी। ये देखिए ये बहुत ही आसान टिप है, आप लोग इसको प्लीज जरूर करके देखिएगा। मैं अगली टिप की तरफ चलती हूँ। जब हम लोग साड़ी वगैरह पहनते हैं, पिन लगाते हैं, तो प्रेशर की वजह से हम लोग की साड़ी पिन में फंस जाती है और वो फट भी जाती है अगर हम लोग ध्यान ना दें तो। ये साड़ी हम लोग की फटे ना तो हम लोग एक उपाय करेंगे। अक्सर हम लोग के घर में मोतियां वगैरह पड़ी रहती हैं, हम लोग एक मोती लेंगे, मोती को इस तरह अल्पिन में लगा लेंगे और फिर जब हम लोग साड़ी में पिनअप करेंगे तो साड़ी में चाहे जितना भी प्रेशर लगे तो ये देखिए हम लोग की साड़ी फटेगी नहीं और बहुत इजिली हम लोग पिन को निकाल लेंगे और फिर से रख देंगे। अगर आपके पास मोती ना हो तो हम लोग पेपर का भी यूज करते हैं। हम लोग पेपर थोड़ा टुकड़ा लेंगे और इसको इस तरह से यू देके फोल्ड कर लेंगे, इस तरह अल्पिन में पहना के तब पिन करेंगे, तब भी आपकी धोती या दुपट्टा नहीं फटेगा। मैं अगली टिप की तरफ चलती हूँ। अक्सर हम लोग नेल पॉलिश जब खराब हो जाती है, ज्यादा दिन हो जाती है तो सूख जाती है, हम लोग क्या करते हैं उसको फेंक देते हैं। तो आप लोग इस नेल पॉलिश को मत फेंकिए। हम यहाँ पर देखिए ले रहे हैं थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना है, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं ना बहुत ज्यादा गर्म। और इसमें ये देखिए हम लोगों ने नेल पॉलिश डाल ली। करीबन 5 या 10 मिनट के लिए आप लोग नेल पॉलिश इसी तरह पानी में पड़े रहने दीजिए। 5 मिनट के बाद ये देखिए हम लोग ने निकाला। अब ये नेल पॉलिश बहुत ही अच्छी तरह से लिक्विड में हो गई है और जब हम लोग इसको लगाएंगे तो इजली हाथ में लग जाएगी और हम लोग को अब नेल पॉलिश फेंकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप लोग इस टिप को जरूर यूज करिएगा, ये बहुत ही यूजफुल है। ये देखिए हम लोग जब नेल पॉलिश लगाकर कहीं जाना होता है तो जब हम लोगों को सुखाना होता है तो वो जल्दी सूखती नहीं है, उसके लिए हम लोग एक कटोरे में ठंडा पानी लेंगे और इस तरह इसमें करीबन 1 मिनट के लिए हाथ को डुबो देंगे। इससे ये होगा कि नेल पॉलिश बहुत जल्दी सूख जाएगी और हम लोग कहीं जा भी सकेंगे आराम से। मेरी अगली टिप लिपस्टिक को लेकर के है। जब हम लोग लिपस्टिक लगाकर कहीं जाते हैं फंक्शन में या छोटे मोटे फंक्शन में पार्टी वगैरह में जाते हैं और हम लोग लिपस्टिक लगा लेते हैं, देखिए मैं हाथ पे लगा के दिखा रही हूँ, और जब हम लोगों को उसको छुड़ाना होता है हम लोग सोचते कैसे छुड़ाएं, हम लोग ऐसे ही छुड़ाने लगते हैं किसी कपड़े से, तो आप लोग उस कपड़े से ना छुड़ा करके, आजकल जो मैट की लिपस्टिक वगैरह होती है ये देखिए वो जल्दी छूटती नहीं है, तो इस लिपस्टिक को छुड़ाने के लिए हम लोग थोड़ा सा जो हम लोग के पास नारियल का तेल होता है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हम लोग यहाँ पर नारियल का तेल लेंगे और ये देखिए टिश्यू पेपर थोड़ा सा फाड़ लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा टिश्यू पेपर चाहिए, ज्यादा नहीं, और टिश्यू पेपर फाड़ के हम लोग क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा नारियल तेल लेंगे। आप चाहे तो सरसों का तेल भी ले सकती हैं। इसमें थोड़ा सा 2-3 बूंदे हम लोग लगाएंगे और जब हम लोग लिपस्टिक अपनी लिप से हटाएंगे तो बहुत ही इजिली बहुत ही आसान तरीके से ये देखिए बहुत ही जल्दी साफ हो जाएगी और एक दाग भी नहीं रहेगा। इस तरह लिपस्टिक भी साफ हो जाएगी और कोई टेंशन भी नहीं होगी। अगली टिप, जब हम लोग सूट वगैरह पहन के जाते हैं तो इस जगह बगली के पास हम लोग के
मतलब अजीब सी स्मेल आती है और पीलापन पड़ जाता है। तो ये पीलापन ना पड़े तो हम लोग टेलकम पाउडर, पॉन्स पाउडर, कोई भी पाउडर आप यूज करती इस तरह लगाएंगी तो इसमें यहाँ पे पीला दाग भी नहीं पड़ेगा और कोई गंदी स्मेल भी नहीं आएगी। ये टिप बहुत अच्छी है, आप लोग जरूर यूज करके देखिएगा। मैं अगली टिप की तरफ बढ़ती हूँ। मैंने यहाँ पे एलोवेरा लिया है। एलोवेरा तो वैसे हम लोग कई तरह से यूज करते हैं, एक यूज में आपको और बताऊंगी। जब हम लोग मेकअप करते हैं तो बहुत लोग प्राइमर लगाते हैं, हम लोग प्राइमर वगैरह नहीं खरीदते हैं, तो आप प्राइमर की जगह पे एलोवेरा का करीबन एक या दो बूंद लेंगी। ये देखिए, बस ज्यादा नहीं लेना है, हम लोग फेस पे इस तरह से लगा लेंगे। मैं यहाँ पे हाथ पे करके दिखा रही हूँ, आप फेस पे इस तरह लगाएंगी और करीबन एक दो मिनट तक ऐसे कस के आप इसको मलेंगी, ये पूरा ऑब्जर्व हो जाएगा। उसके बाद आप मेकअप करेंगी तो आपका मेकअप बिल्कुल खराब नहीं होगा पसीने की वजह से, ये बिल्कुल फिक्स रहेगा। आप लोग इसको ट्राई करके जरूर देखिएगा, बहुत ही यूजफुल है। अब मैं अगली टिप की तरफ बढ़ती हूँ। अक्सर ये देखिए मेरी पायल बहुत गंदी होगी, मैं इसका साफ करने का बहुत अच्छा तरीका आप लोगों को बताऊंगी, इससे पायल आपकी बहुत जल्दी साफ हो जाएगी। यहाँ पे मैंने देखिए आलू का पानी लेके रखा है, आलू के पानी से पायल वगैरह बहुत अच्छे से साफ हो जाती है। मैंने आलू का पानी भगोने में डाल लिया, ये देखिए बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए, आधा गिलास पानी से काम चल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने आधा गिलास पानी लिया है, उसमें एक चम्मच चाय पत्ती डाली है और करीबन एक चम्मच खाने वाला सोडा जो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे वो मैंने डाला है, और यहीं पे मैंने डाला है एक चम्मच डिटर्जेंट पाउडर। आप कोई भी पाउडर यूज कर सकती हैं, कपड़े धोने वाला पाउडर। और उसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगी करीबन आधा चम्मच नमक। बस इन सभी चीजों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी और यहाँ पे अच्छा सा बॉयल आने लगा है। जब अच्छा सा बॉयल आने लगेगा, जो हम लोग की पायल गंदी है वो हम लोग इसी में डाल देंगे और इसको अच्छे से 5 मिनट तक धीमी आंच में ऐसे बॉयल होने देंगे। इससे पहले आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और आप मेरे वीडियो पे न्यू है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ करीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं, मैं यहाँ पे पायल निकाल लूंगी और इसको अच्छे से ब्रश से साफ करूंगी। ये देखिए पायल अभी से काफी साफ हो गई है। और यहाँ पे देखिए जो इसमें जो हम लोग ने मिक्सचर बनाया था साफ करने वाला, उससे ब्रश में थोड़ा लेके पायल साफ करेंगे। ये पायल बहुत ही अच्छे तरह से साफ हो गई है। अभी मैं इसको आपको पानी से धुल के दिखाऊंगी। आपको बाजार से बिल्कुल साफ करवाने की जरूरत नहीं है, आप लोग इजिली से घर पे इसको साफ कर लेंगी। ये देखिए मैं आपको पानी से धुल के दिखा रही हूँ, ये पायल बहुत ही अच्छी से साफ हो गई है, अब बिल्कुल चमक गई है। मैं कभी भी बाहर पायल या ज्वेलरी होती है सोने की, इसको बाहर नहीं धुलवाती हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे वीडियो का एंड करती हूँ, बाय।